हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका उदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम कैसे लिखें। एग्जाम के दोस्तों सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमें याद होते वक्त होते हुए भी हम अच्छे से लिख ही नहीं पाते हैं। हमें मतलब क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, एक क्वेश्चन का एक एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या होना चाहिए ये हमको पता नहीं होता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। इस सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि हम एग्जाम के टाइम पर एग्जाम में जो है कॉपी का आंसर राइटिंग किस प्रकार से करें, जिससे कि हमारे नंबर अधिकतम नंबर आने की संभावना और अधिक बढ़ जाए। ठीक है, तो दोस्तों इसी में हम आज विस्तार से बात करेंगे। आज आपके ऊपर कोई लोड नहीं होगा कि क्लास की तरह, बस आपको ये लेशन जो आज का लेक्चर है दोस्तों इसको पूरा देखना है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। बस भेजते वक्त आप अपने अभी पेन और एक पेन और एक कॉपी को लेकर के भेज जाइए, जिसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा उसको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है और इस पर ध्यान देना पूरी स्ट्रेटेजी पर। ठीक है, तो दोस्तों आज की हमारी स्ट्रेटेजी सिर्फ इसी बात पर होगी कि किस प्रकार से हमें एग्जाम में आंसर राइटिंग करें, जिससे कि हमारे जो है कंप्लीट मतलब नंबर जिस प्रकार से हम राइटिंग कर रहे हैं उसे नंबर हमें मिल सके। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। ओके, तो दोस्तों आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी आज सिर्फ और सिर्फ इस पर चर्चा होगी, जिसमें आपके ऊपर फिलहाल कोई बर्डन नहीं होगा और क्लासेस के जैसे आपको कुछ विशेष याद नहीं रखना है। आज मैं आपको वही सब कुछ बताने वाला हूं जो आपको ऑलरेडी पता है, सब कुछ पता है दोस्तों आपको। बस आप यकीन मानिए कि आप मैं भी जो भी पॉइंट्स मैं आपको यहां पर बताऊंगा उन्हें आप एग्जाम में अप्लाई भी करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि आप उसको क्रम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो क्या क्रम होना चाहिए आंसर राइटिंग का, उस पर हमारी चर्चा होगी और किन किन बातों की सावधानियां रखनी है, क्या हमें नहीं करना चाहिए एग्जाम में और क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसी पर एक समग्र चर्चा दोस्तों हमारी होने जा रही है, इस पर बने रहे सेशन में दोस्तों। और आज का सेशन जो है सभी नए दोस्तों के लिए, जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है उन सबके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। एक सेकेंड, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है आज। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, जिसमें जो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं, जो हमारे दोस्त पहली बार हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं दोस्तों, उन सभी को मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल पर अर्थात की लोधाजी क्लासेस के इस बीए प्लेटफॉर्म पर बीए के सभी सब्जेक्टों को पूरे सिलेबस वाइज सभी पूरे तरह से पूरे विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। सभी सब्जेक्टों को दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपके लिए सिर्फ एक पॉलिटी या हिस्ट्री या इकोनॉमी एक कवर करके चल रहे हैं, सभी क्लासेस क्रम अनुसार आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और वो भी पूरे विस्तार से। कोई डाउट आपका इस सेशन में शेष नहीं रहेगा। डाउट क्लियर करने के लिए आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप तौर कॉल की सुविधा प्रोवाइड की गई है। इन सब के अलावा दोस्तों सभी की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, ठीक है, जहां से आप सभी लेक्चर के सभी सब्जेक्ट के लेक्चर जो है क्रम अनुसार आप वहां से ले सकते हैं, सभी को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसमें हम बात करेंगे आज के इसमें सिर्फ एग्जाम की, कि एग्जाम सेंटर में भेजने से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से अपने आप को तैयार करके चले। बेसिकली अगर बात करें तो दोस्तों आज देखिए, कोई ये समझ के ना चले कि आज मैं आपको कुछ स्पेशल सिखाने वाला हूं, सिर्फ कुछ टर्म बताऊंगा आपको। ठीक है, इसलिए पूरी तरह माइंड से फ्री होकर के बैठे आज के लेक्चर में। आज सिर्फ हम चर्चा करेंगे, आज आपकी और मेरी बस सिर्फ चर्चा होगी। इस सेशन खत्म होने के बाद में जो भी आपके डाउट हो, इसके अलावा वैसे तो आपके लगभग सारे क्वेश्चनों का जवाब आज के इस लेक्चर में आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा डाउट है या ऐसा कोई आपका क्वेश्चन है एग्जाम से संबंधित जिसका जवाब आपको इस लेक्चर में नहीं मिला है दोस्तों, तो आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी के साथ शुरुआत करते हैं। बस एक बार इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखना, उसके बाद देखना कि आपके सभी सवालों का जवाब इस लेक्चर में मैंने देखने का प्रयास किया है, टोटल सवालों का जवाब आपको यहां मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आज के सेशन के अंतर्गत सबसे पहले जो हम बात करेंगे दोस्तों, मैं आपको पहले तो इस लेक्चर का जो सारांश आपको बताना चाहता हूं कि इसमें हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो आज के इस पूरे लेक्चर में दोस्तों हम तीन टर्म पर विशेषकर बात करेंगे, कि कुछ बेसिक कंसेप्टों के बारे में बात करेंगे, कुछ बेसिक रूल्स के बारे में बात करेंगे और एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। मैं कोई आपके लिए क्रम अनुसार लेकर नहीं आ रहा हूं इसमें,
कि पहले हम सिर्फ रूल्स की बात करें या स्ट्रेटेजी की बात करें या कंसेप्ट की बात करें, यह सिर्फ आज का सेशन आपको समझाने के लिए है। मैं इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करूंगा कि आपके माइंड में वो सारी चीजें अंदर प्रवेश कर जाए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, जो आपको अधिकतम नंबर दिलाने में जो है आपकी मदद करने वाली है। तो आज के इस सेशन में दोस्तों हमारी जो है चर्चा होगी वो विशेषकर तीन चीजों पर फोकस होगी, जिसमें कुछ बेसिक रूल पर हम चर्चा करेंगे आज, बेसिक रूल, उसके अलावा बेसिक कंसेप्ट और स्ट्रेटजी, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं। अच्छा यार, कर्सर की प्रॉब्लम आ रही है इसमें। ओके दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस या थोड़ा मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। चलिए तो शुरू करते दोस्तों। मात्र 8 स्लाइड है, 8 स्लाइड के अंदर लगभग आपके सभी प्रश्नों के जवाब मैंने यहां देने का प्रयास किया है। बस आप बने रहें निरंतर सेशन में और आप देखिए जरा, सबसे पहली अगर इसमें समस्या आती है दोस्तों, सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो प्रॉब्लम, अधिकतर स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं कि जैसे ही हम पेपर, एग्जाम पेपर खोलते हैं, पेपर खोलते ही हम उसके आंसर राइटिंग करना चालू कर देते हैं, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन का आंसर लिखना चालू कर देते हैं। और जो भी स्टूडेंट ये वाली गलती करते हैं वो एक बात को समझ ले कि एग्जामिनर ने, अर्थात कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कौन सी प्रकृति का आया है, क्वेश्चन की एक्चुअल डिमांड क्या है, उस एक्चुअल डिमांड से स्टूडेंट का भटकाव हो जाता है और वो सब कुछ लिखना प्रारंभ कर देता है जो भी उसने यहाँ पर पढ़ा हुआ था, जो अपनी बुक में या अपनी नोट्स में पढ़ा था, ठीक है। तो दोस्तों ये गलती कभी भी नहीं करना है। सबसे पहले तो उसको ध्यान देना है कि प्रश्न की डिमांड क्या है। सबसे पहले अच्छे से उस प्रश्न को हम पढ़ेंगे एग्जाम सेंटर में, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है। सबसे पहला जो कोई काम हो, कार्य होगा हमारा, वो होगा प्रश्न की डिमांड को समझना। प्रश्न की डिमांड को समझने के बाद में दोस्तों उसको एनालाइज करना है, और एनालाइज में ये करना है दोस्तों कि प्रश्न में एक्चुअल में पूछा क्या गया है, प्रश्न की डिमांड क्या है, कि विशेषताएं पूछी गई है उसके अंदर, या फिर आलोचनात्मक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि विशेषताएं भी हो सकती है उसकी, आलोचनात्मक विवरण भी हो सकता है उसका, इसके अलावा महत्व पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों इसमें जो है तत्व पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार की कई प्रकार की डिमांड हो सकती है आपके एग्जाम क्वेश्चन की, ठीक है। तो प्रश्न की डिमांड पर विशेष फोकस कीजिए, जो आपसे पूछा गया है उस पर 100%, 100 नहीं, 90% तो आपको उस पर फोकस रहना ही है। जो भी आपसे पूछा गया है उसका 90% आपको उस पर फोकस करना है। 10% जो बचता है, 10% में आप अन्य बातें कर सकते हैं उसके अंदर, अन्य बातों से, इन द सेंस की आप उसमें कुछ करंट के मुद्दे हो सकते हैं, कुछ प्रसिद्ध विचारकों के विचार हो सकते हैं, इस प्रकार की बातों को लिखने का वहां प्रयास करेंगे। लेकिन 90% जो आपको वहां डाटा देना है, 90% जो आपको लिखना है दोस्तों, वो आपको उसी क्वेश्चन से संबंधित उसकी डिमांड को ही फुलफिल करने के लिए लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर हम इसको अच्छे से समझे, तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं यहाँ। अब क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी, तो एक मिनट पेन ले लेता हूं। हाँ, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सहायक परिस्थितियों एवं कारणों का वर्णन कीजिए। अब जरा समझिए इस बात को, ये क्वेश्चन एकदम आसान भाषा में और एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई भी इसको पढ़ते ही समझ सकता है। इसमें पूछा क्या गया है कि कांग्रेस की स्थापना की परिस्थितियां क्या थी, सहायक परिस्थितियां क्या थी, कि वो ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण, जिन कारणों से कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो परिस्थितियों के बारे में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन है कि एकदम स्पष्ट आगे आ चुका है, जिससे आपको इसकी डिमांड समझ सकते हो। लेकिन अब यहीं पर कुछ स्टूडेंट है जो क्या गलती कर देते हैं कि आपसे यहां पर कांग्रेस की स्थापना की परिस्थितियों या कारणों के बारे में पूछा गया है, लेकिन जैसा कि हम नोट्स में पढ़ते हैं कि कांग्रेस की स्थापना, स्थापना से लेकर के स्थापना करने के बाद में किसने स्थापना की, कब स्थापना हुई, इसके अलावा उसने क्या क्या कार्य किए, उसके अधिवेशन कितने हुए, उसके बाद इसके कारणों पर चर्चा करते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जब आपकी कॉपी चेक होती है तो एग्जामिनर सबसे पहले इसी बात पर फोकस करता है कि आपसे जो पूछा गया है उस पे आपने फोकस किया या नहीं किया, ठीक है। तो यहां पर यह गलती कभी नहीं करना है, जो एग्जाम में जो आपसे डिमांड की गई है आप
पूरा प्रयास पूरे क्वेश्चन के आंसर देते वक्त आपका यही प्रयास होना चाहिए कि आप उस एग्जाम उस क्वेश्चन की उस प्रश्न की जो है डिमांड को फुलफिल करें। ठीक है, तो जिस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन था, तो ये प्रश्न तो एकदम आसान था और डायरेक्ट भाषा में था। इसके अलावा एक अन्य प्रश्न और है, इसको जरा अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो अब यहां पर कुछ बातें इसमें छिपी हुई है जिनको समझना आवश्यक है, लेकिन एग्जाम में टाइम कम होने के कारण उसकी घबराहट सी होती है, और उस घबराहट के कारण क्या होता है कि हम क्वेश्चन पर फोकस नहीं कर पाते और हमारा पूरा फोकस लिखने पर होता है। ठीक है, तो ये गलती ना करें, क्योंकि इसी गलती के कारण दोस्तों बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी और बहुत ज्यादा लिखकर आने के बाद भी हमारे इतने अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं जितना कि कोई अन्य लोग, कोई अन्य स्टूडेंट जो बहुत कम लिखकर आता है या बहुत कम पढ़ने के बाद भी बहुत अच्छे नंबर लेकर आ रहा है, वो हमसे ज्यादा नंबर लेकर आ जाता है। तो ऐसा क्यों हो पाता है? तो उसके पीछे कारण यही है दोस्तों कि जो कम लिखता है, कम पढ़ता है, वो उतना ही लिखकर आता है जितना उससे पूछा गया है। ठीक है, और अन्य स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के चक्कर में, कुछ हवाबाजी करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा लिख देते हैं, और वो एक्स्ट्रा के चक्कर में वो एक्स्ट्रा ही आपके जो एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं उनको ले डूबते हैं, है ना। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अब जरा सेकंड क्वेश्चन आप पढ़िए। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको इसकी प्रकृति छिपी हुई नजर आएगी जिसे आपको उजागर करना है। अब देखिए क्या बोल रहा है। राज्य के नीति निदेशक तत्व निरर्थक और अनावश्यक है। क्या बोला इसने कि राज्य के नीति निदेशक तत्व निरर्थक और अनावश्यक है, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इससे आपको क्या लगता है, क्या पूछा गया होगा यहां पर, इसमें इसमें क्या पूछा गया आपसे कि जो राज्य की नीति निदेशक तत्व है वो निरर्थक है, अर्थात कि किसी कार्य के नहीं है, अनावश्यक है, ये नहीं होना चाहिए था, विवेचना कीजिए। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा उसको या नहीं भी पढ़ा होगा अच्छे से भी, तो भी आपके माइंड में से ये चीज आएगी कि हमें कुल मिलाकर इसका जो है नकारात्मक पक्ष लिखना है, नीति निदेशक तत्वों का हमें नकारात्मक पक्ष लिखना है, और यही सत्य है। जैसे कि इसका अगर अथवा वाला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें स्पष्ट लिखा हो कि राज्य के निदेशक तत्वों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। आलोचनात्मक व्याख्या का अर्थ यही हो जाता है कि आपको जब उसका सारांश आप लिखते हैं, किसी क्वेश्चन का सारांश लिखते हैं, तो उस पूरे सारांश में आपके उसकी आलोचनात्मक वर्णन करना है, आलोचना के रूप में उसको लिखना है, उसको प्रदर्शित करना है। ठीक है, क्या ये क्लियर हो पाया? तो दोस्तों ये जो पहला पॉइंट है कि प्रश्न की डिमांड को समझे, प्रश्न हमसे क्या मांगना चाहता है, क्या पूछ रहा है, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही हम उसको अपने डाटा की सप्लाई दें। ठीक है, उतना ही दे जितना उसने पूछा है। एक्स्ट्रा में मैं आपको बता चुका हूं, एक्स्ट्रा वैसे आगे नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है उसमें हम बात करेंगे कि पूरे प्रश्न को कितने भागों में लिखना चाहिए, किस प्रकार से लिखना चाहिए, कहां से शुरुआत करना चाहिए, ये सारी बातें आज होने वाली है। तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि सबसे पहले एग्जाम सेंटर में जब हम भेटेंगे, प्रश्न पत्र खोलेंगे, तो जब भी हम प्रश्न का आंसर उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे, तो सबसे पहला आपका कार्य क्या होगा, उस प्रश्न को बहुत अच्छे से आप समझेंगे और उसकी डिमांड को समझेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि प्रश्न में डिमांड क्या की गई है, डिमांड को समझने के बाद ही आप आंसर के लिए अपना पेन उठाएंगे। ओके, चलिए इसके बाद अब हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एग्जामिनर हमसे क्या उम्मीद रखता है, एग्जामिनर हमसे क्या उम्मीद रखता है, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ना। वैसे बहुत कम लोगों के दिमाग में ये चीज रहती है, क्योंकि तो एग्जामिनर चाहे हमसे कुछ भी उम्मीद करे, आंसर राइटिंग करते वक्त हम हमारे हिसाब से ही लिखते हैं दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप साल भर स्टडी करते हैं, साल भर स्टडी करते हैं किसके अकॉर्डिंग करते हैं दोस्तों, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब आप यूनिवर्सिटी के अनुसार पढ़ रहे हैं, उनके अनुसार बताई गई किताबों को या बुक्स को पढ़ रहे हैं, और उतना ही पढ़ रहे हैं जितना वो डाटा आपको पढ़ने के दे रहे हैं, तो भाई लिखिए भी उनके अनुसार ही ना। अगर आप उनके अनुसार लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, और अगर आप पढ़ तो उनके अनुसार रहे हैं और लिख अपने अनुसार रहे हैं, तो मार्क्स बताइए कैसे मिल पाएंगे आपको, है ना। अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो इनके बारीक से कुछ रूल्स होते हैं, उन वो आपको हमेशा याद होना ही चाहिए। तो एग्जामिनर हमसे अर्थात कि आंसर लिखने वाले से क्या उम्मीद करता है, क्या उम्मीद उसको होती है, उसकी अगर दोस्तों बात करें तो सप्लाई
ओनली डिमांड्स, जो हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी कि डिमांड को समझें, सबसे पहला कार्य डिमांड को समझे। और जैसे ही आपने पेन उठाया लिखने के लिए तो आपका पेन उसी अनुसार चलना चाहिए जो कि आपके रूल से जो आपको लिखना चाहिए, है ना। कि एग्जामिनर आपसे क्या मतलब कि आपकी कॉपी को खोलते ही वो खुश हो जाए, देख के उसको अच्छा लगे। अन्य लोगों से एकदम डिफरेंट कॉपी हो आपकी, जब अन्य लोगों से डिफरेंट होगी तो भाई नंबर भी आपको डिफरेंट ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सप्लाई ओनली डिमांड्स, ये पॉइंट भी आपको हमेशा दिमाग में फिट करके रखना है कि सप्लाई ऑन डिमांड ओनली डिमांड्स, जितनी आपसे डिमांड की गई है आप उतनी ही सप्लाई देंगे, उससे ज्यादा में आप भटक जाएंगे, आपका भटकाव हो जाएगा प्रश्न के सटीक उत्तर से, ठीक है। तो जो पूछा गया है केवल उसी पे फोकस करें, उत्तर के इंट्रो में प्रश्न की प्रकृति या डिमांड को लिखे। अब इसमें एक अन्य पॉइंट और भी आपका निकलकर बाहर आ रहा है कि जब आप प्रश्न की शुरुआत करते हैं तो मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि किस प्रकार से उसकी शुरुआत करनी है, लेकिन जब आप उसकी शुरुआत करेंगे तो दोस्तों जब आप किसी प्रश्न का परिचय देते हैं, उत्तर का परिचय देते हैं या उसका इंट्रो लिखते हैं, तो उस इंट्रो लिखते वक्त ही आपको उस प्रश्न के जो भी आपसे प्रश्न पूछा गया है उसकी सामान्य जानकारी, जो भी सामान्य जानकारी होगी वो आपको वहां इंट्रो में ही लिखना है। और इंट्रो भी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि एक पेज या डेढ़ या दो पेज का, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों। इंट्रो जो होता है आपके एग्जाम में जब लिखना होता है, चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा होगा, उसका इंट्रो मुश्किल से अधिक 15 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है। हाँ, कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ बड़ी बड़ी जानकारियां होती हैं, कोई करंट का समसामयिक मुद्दे होते हैं उनको जोड़ना होता है या कुछ विचारकों के विचार जोड़ने होते हैं, तो कोई कोई सा लंबा चला जाता है, लेकिन सभी इंट्रो आपके इतने ज्यादा लंबे नहीं होना चाहिए। इंट्रो हम इसलिए देते हैं ताकि एग्जामिनर को हम ये समझा सके कि भाई आपका क्वेश्चन हमें पूरा समझ आ चुका है और हम आपके इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से देंगे, देख लीजिए। तो एग्जामिनर आपके इंट्रो को ही पढ़ता है दोस्तों, और उस इंट्रो का जितना अच्छा प्रभाव आप एग्जामिनर पर डाल देंगे वो आगे पढ़ेगा भी नहीं और आपको नंबर वहीं पर उसको पढ़ के ही नंबर दे देता है। मैक्सिमम एग्जाम में, मैक्सिमम कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है, मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि सिर्फ आपके इंट्रो को पढ़ने के बाद ही आपको नंबर दे दिए जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो आपका इंट्रो होता है एग्जाम का वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होना चाहिए, अगर आपको क्वेश्चन पूरा समझ आ चुका है तो, ठीक है। तो क्वेश्चन की डिमांड समझेंगे, क्वेश्चन की डिमांड की ही सप्लाई करनी है, और इंट्रो जब आप इंट्रो लिखते हैं तो उस इंट्रो में आपको क्या करना है, तो उस क्वेश्चन से संबंधित जो उसके फैक्ट है, जो उसकी सामान्य जानकारी है, उस सामान्य जानकारी को 10 से 15 लाइन के अंदर समेटने का प्रयास आप करेंगे और इतना प्रभावशाली उसको बनाएंगे कि वो एग्जामिनर का जो है दिल खुश कर दे और वो खुश होकर आपको नंबर दे, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ में क्लियरिटी एंड डाउट, क्लियरिटी एंड डोंट मेक कंफ्यूज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आज के स्टूडेंटों की, सबसे बड़ी दोस्तों, और विशेषकर बीए के अंतर्गत, बीए में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट जब आंसर लिखने बैठता है तो वो उसने 3 लाइन पहले क्या लिखा था वो ही भूल जाता है, लिखते लिखते इतना दीवाना हो जाता है व्यक्ति करते करते उसको कि उसने 4 से 5 लाइन पहले क्या लिखा था उसको नहीं पता, लास्ट पैराग्राफ में उसने क्या एग्जाम्पल दिया है, क्या लिखा है नहीं पता, वो अभी क्या लिख रहा है बस उसको इतना पता रहता है, ठीक है। तो दोस्तों ये ना करें, ये कर आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और ऐसा करने वाले किस बात पर फोकस करते हैं मैं आगे बताने वाला हूं। ये गलतियां वो करते हैं जिनको एक लगन रहती है कि यार आज मुझे 3 कॉपी भरनी है या 4 कॉपी भरनी है, 5 कॉपी भरनी है, जितनी कॉपी भरूंगा बीए में उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। सबसे गंदी सोच है लोगों की, जो भी ये सोचता होगा तो इस सोच, जिसकी भी सोच ये होगी कि बीए में कॉपी भरने के नंबर मिलते हैं, तो इस सोच को निकालकर बाहर फेंक दीजिए आज और अभी। कॉपी भरने के कोई नंबर नहीं होते बीए के अंदर। बीए की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आपके अंदर इतनी गलत इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में इंस्टॉल कर दी जाती है लोगों के द्वारा कि आप बिल्कुल कि बस क्या बीए तो है कर लेंगे। अरे भाई मुझे ये बताइए बीए में टॉप कितने लोग कर पाते हैं? साइंस में हर चौथे से पांचवा जो भी स्टूडेंट होता है, हर चौथे से पांचवा स्टूडेंट 60+ बना के लाता है, 60, 70, 80, 99% तक पहुंच जाता है। मुझे बताइए बीए में कौन 99% तक पहुंचता है? अरे 60+ करने में पसीने छूट जाते हैं लोगों के, बीए के अंदर नहीं हो पाता भाई,
ठीक है। इसलिए इन चीजों पे ध्यान दे, कॉपी भरने पर ध्यान ना दे, प्रश्न की डिमांड को समझे, डिमांड को ही फुलफिल करे, ठीक है। और जब आप इस पर क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, तो उसको स्पष्ट लिखिए, एकदम स्पष्ट। आपकी जो लैंग्वेज है ना, वो स्पष्ट होना चाहिए, चाहे वो आसान भाषा कितनी भी सरल भाषा हो, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात पढ़ने वाले को समझ आना चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं, उसको कंफ्यूज मत करिए, ठीक है। अगर आपने उसको कंफ्यूज नहीं किया तो वो आपकी जो आंसर राइटिंग होगी उसको अच्छे समझेगा, और समझने के बाद वो आपको नंबर भी उसी प्रकार से देगा, ठीक है। इसके जैसे एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है यहाँ पर, जरा देखिए, प्राचीन भारत में विवाह के उद्देश्य, प्राचीन भारत में विवाह के उद्देश्य एवं प्रकारों की विवेचना करते हुए प्राचीन भारतीय स्त्रियों के संपत्ति के अधिकार पर प्रकाश डालिए। अब अगर हम बात करें इस प्रश्न की, कि इस प्रश्न में क्या क्या आपसे पूछा गया है, अब जरा इसकी देखिए, इसकी डिमांड देखिए इस प्रश्न की, कि प्राचीन भारत में, ठीक है, प्राचीन भारत में जिसने प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा उसको प्राचीन भारत समझ आता होगा कि प्राचीन भारत क्या है, ठीक है। प्राचीन भारत मध्यकाल और आधुनिक है ना, तो हम अभी प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। प्राचीन भारत में जो विवाह थे, विवाह के उद्देश्य और प्रकार, और साथ ही साथ में इसको ये बताना है कि उस समय प्राचीन भारत में ही स्त्रियों के संपत्ति का अधिकार क्या था। यहाँ पर तीन चीजें आपसे विशेषकर पूछी गई है, कितनी चीजें, तीन बातें पूछी गई है, कि जो प्राचीन समय में जो विवाह किए जाते थे वो विवाह का कारण क्या था, उद्देश्य क्या थे, ठीक है, कि किन उद्देश्यों से विवाह किया जाता था। जैसे कि कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे समाजीकरण का उद्देश्य हो सकता है ना, वंशानुकरण का उद्देश्य हो सकता है, वंश को आगे बढ़ाने के लिए, धार्मिक उद्देश्य हो सकते हैं, इस प्रकार के कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं। इसी प्रकार से विवाह के प्रकार, प्रकार बताना है कि प्राचीन भारत में जितने भी 7-8 प्रकार थे विवाह के, वो सभी जो दोस्तों की जो ब्रह्म विवाह, राक्षस विवाह है ना, दानव देव, कई प्रकार के, इस प्रकार से कुछ आठ प्रकार के विवाह हुआ करते थे। तो उन विवाह के प्रकारों के बारे में आपको वर्णन करना है। इसके अलावा इस प्राचीन भारत में ही स्त्री के जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित, उनको क्या क्या अधिकार दिए गए थे, क्या क्या अधिकार उनको प्राप्त थे, उससे संबंधित बात करनी है। तो यहाँ पर तीन बातों को स्पेशली बोला गया है, कि इन तीन बातों पर फोकस करते हुए पूरे क्वेश्चन की आपको डिमांड को फुलफिल करना है, अर्थात आपके पास में तीन डिमांड है और इन तीनों डिमांड पर आपको फोकस करना है। अब जब ये क्वेश्चन का आंसर आप लिखने जाएंगे, तो अब आपको इंट्रो में, परिचय में बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी। भाई इंट्रो में जब परिचय देते हैं आप, तो परिचय के अंदर आपके पूरे प्रश्न का एक सार होना चाहिए। 7 से 8 लाइन के अंदर आप उसका इंट्रो इस प्रकार से दे कि आपको उस इंट्रो में पूरा समझा दे उसे कि हमने ये इस आंसर के अंदर लिखने का प्रयास किया है, और ये आपको हमने एग्जाम्पल भी दिया है। इस प्रकार से बेसिक जो सोच समझ होती है उस आंसर की, वो सारी इंट्रो में लिखनी होती है हमको, ठीक है। और वो इंट्रो आप तभी ही लिख पाएंगे, प्रश्न का परिचय तभी दे पाएंगे आप, जब आपका उस प्रश्न पर कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। मैं इतिहास पढ़ाते वक्त अगर आपको याद हो तो मैं 4-पॉइंट स्ट्रेटेजी बताता हूं। वो 4-पॉइंट स्ट्रेटेजी में जब हम बात करते हैं चारों पॉइंटों की, तो 4 पॉइंट क्यों बताता हूं दोस्तों, ताकि आपके कंसेप्ट 100% क्लियर रहे और 100% आप फोकस्ड रहो उस चीज पर, और वही फोकस अब आपके एग्जाम के यहां पर काम आने वाला है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इंट्रो के अंदर भी डिमांड को ध्यान रखेंगे, इंट्रो में भी आप डिमांड ध्यान रखेंगे, और जब उसका विवरण देंगे तो विवरण में आपको ये तीनों पॉइंटों को साथ लेकर चलना है, ठीक है। तीनों पॉइंट अर्थात उद्देश्य, प्रकार और संपत्ति का अधिकार, इसको आप विवरण में लिखेंगे। उसके बाद निष्कर्ष के अंदर दोस्तों क्या क्या लिखना है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है किसी का भी, कि सर शुरुआत कहां से करें। सबसे बड़ी डाउट, सबसे बड़ा डाउट और सबसे बड़ी समस्या, कि जब कोई क्वेश्चन दोस्तों की कई सारे स्टूडेंट की समस्या होती है, कि क्वेश्चन पढ़ते हैं और पढ़ते ही उसको पता है कि यार इसका तो मुझे पूरा पता है, कि हाँ मुझे पता है और मैं इसको 100% कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अब एक समस्या यहाँ पर ये उलझन में डाल देती है कि मुझे पूरा आंसर इसका याद है, लेकिन अब शुरुआत कैसे करें, कहीं ऐसा ना हो कि गलत जगह से शुरुआत हो जाए, गलत शब्दों से शुरुआत हो जाए और नंबर कम आ जाए। और अधिकतर यही प्रॉब्लम होती है दोस्तों, सारा आंसर, पूरा आंसर हमको याद होता है, क्वेश्चन ने क्या पूछा, डिमांड हमको पता है, सप्लाई किस पर क्या देनी है ये भी पता है, लेकिन कैसे देनी है ये नहीं पता। शुरुआत कहां से करें, प्रश्न की शुरुआत करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आप लोगों की, हम लोगों के सभी की,
जितने भी स्टूडेंट हैं सबकी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम यही होती है कि प्रश्न के उत्तर की शुरुआत कैसे करें, शुरुआत किन चीजों से होनी चाहिए। तो दोस्तों आज आपका ये डाउट भी पूरा 100% क्लियर करने वाला हूं कि चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, आज चाहे आप बीए लिख रहे हो, बीएससी लिख रहे हो, बीकॉम लिख रहे हो, एमए, एमकॉम, एमएससी, या भले आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, तो भी आपको प्रश्न की उत्तर की शुरुआत कैसे करना चाहिए, क्या कंसेप्ट आपके उसके हो सकते हैं शुरुआत करने के, क्या तरीका हो सकता है, उस पर आज मैं आपका 100% डाउट पूरा क्लियर करने वाला हूं। तो इसमें अगर सबसे पहले बात करेंगे कि दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो आप इसमें ध्यान देंगे प्रश्न में शुरुआत करने में, तो कोई भी वर्तमान के मुद्दे, वर्तमान के मुद्दे या कोई भी प्रसिद्ध जो विचारक है उनके विचारों को लिख करके आप शुरुआत किसी भी प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आपको शायद ये स्लाइड समझ ना आएगी, समझा देता हूं मैं आपको, अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन, एक इस प्रकार का क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा प्रश्न आपके सामने पूछा गया है जो कहीं ना कहीं वर्तमान से भी कनेक्टेड है, वर्तमान से भी वो प्रभावित है, जिससे कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। जैसे कि मान हम एनवायरमेंट अभी बहुत अच्छा चल रहा है, एनवायरमेंट या इकोनॉमी ले या संविधान का ले लें पॉलिटी में, तो इन क्वेश्चनों में क्या होता है, जब प्रश्न होते हैं तो जब हम इंट्रो लिखने बैठते हैं तो इंट्रो से हमको शुरुआत करनी होती, तो इंट्रो की शुरुआत भी कैसे करें। तो वहां पर दोस्तों सबसे अच्छा आपके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है शुरुआत करने का, वो अच्छा तरीका ये है जिसमें एग्जामिनर पढ़ते ही प्रभावित होगा आपके ज्ञान से, अगर आप उसको कुछ एक्स्ट्रा भी देंगे ना तो, लेकिन एक्स्ट्रा ऐसा प्रभावित होना, प्रभावित करने वाला होना चाहिए जो आपको वो खुशी खुशी नंबर देता चला जाए। तो वो क्या हो सकता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो कोई, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न है जो वर्तमान से भी लिंक है, जुड़ा हुआ है, तो आप कुछ वर्तमान का मुद्दा उसमें रख दीजिए, ठीक है, या फिर किसी ने उसके बारे, किसी प्रसिद्ध विचारक ने कोई स्पेशली बात बोली हो तो आप उसकी, उन विचारों को भी पुट कर सकते हैं, और उन एक दो तीन लाइनों के उन विचारों के बाद भी आपने प्रश्न को ऐसे एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के अलावा, इसके अलावा चलिए इसको ही पहले आप समझ लेते हैं, इसको ही समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं दोस्तों। एग्जाम्पल में जैसे मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन किससे, इस प्रथम समझकर कि वर्तमान के मुद्दे और किसी विचारक के शब्दों को किस प्रकार से इसमें पुट किया जाए, किस प्रकार से पुट किया जाए। तो जरा अब इस प्रश्न को पढ़ के देखिए, इस प्रश्न को पढ़िए, क्या बोल रहा है ये कि पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा अर्थात पर्यावरण की शिक्षा, एनवायरमेंटल स्टडी है ना, जन जागृति के लिए आवश्यक हो गई है, समझाइए। अब कितना प्यारा क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय शिक्षा जो है वो जन जागृति के लिए, लोगों को जगाने के लिए बहुत आवश्यक हो चुकी है, समझाइए। प्रश्न समझ पाए आप, प्रश्न की डिमांड समझ गए ना। अब इस प्रश्न को जरा गौर से अगर गौर करेंगे इस पर, तो इसकी शुरुआत कहां से करें, अगर ये सवाल का जवाब ढूंढने का यह प्रयास करोगे आप, तो स्पष्ट आपको दिख जाएगा दोस्तों कि पर्यावरणीय समस्या के बारे में यहां बात हो रही है, और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागृत करने पर यहां पर चर्चा होने वाली है। तो इसमें उसकी शुरुआत जो करनी है आपको, करंट मुद्दे को लेकर आप कर सकते हो, करंट मुद्दे को लेकर कर सकते। करंट मुद्दा क्या हो, समसामयिक मुद्दा, जिसको हम करंट मुद्दे बोलते, तो करंट मुद्दा क्या हो सकता है भाई, पर्यावरण की बात आई है ना, तो पर्यावरण में जो अभी हमारा कोविड चला हो, तो कोविड के कारण काफी पर्यावरण, काफी मतलब पर्यावरण को अपने आप को रिपेयर करने में काफी हेल्प मिली है। इसके अलावा तो पर्यावरणीय शिक्षा जागृति को लेकर के, तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि भाई जो दिल्ली में अभी प्रदूषण चल रहा है, दिल्ली में सबसे ज्यादा, भारत में अगर बात करें प्रदूषण की, सबसे ज्यादा कहां पर, दिल्ली में है, तो दिल्ली का करंट का जो मुद्दा है इसको हम उठाकर ले जा सकते हैं, इस प्रश्न के अंदर डाल सकते हैं कि पर्यावरण के लिए जनता को जागरूक करना आवश्यक है, अन्यथा जिस प्रकार से प्रदूषण दिल्ली में फैला हुआ है, ऐसे ही प्रदूषण पूरे भारत में भी या पूरे विश्व में देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। इस प्रकार से करंट मुद्दे से हम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं इसको। अगर हम किसी प्रसिद्ध विचारक की बात करें, तो जैसे अभी जो है WHO भी काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका पर्यावरण को लेकर के, है ना, तो WHO में जितनी भी बातें चल रही है कि WHO के इस प्रकार की ये विचार थे, इस प्रकार का ये कहना है पर्यावरण को लेकर के, तो या फिर हमारे जो पर्यावरण विभाग, हमारा भारत सरकार का पर्यावरण विभाग, पर्यावरण का विभाग है, उनके क्या विचार है इसको लेकर के, इस प्रकार के दोस्त में यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो इसी एग्जाम्पल के माध्यम से आप जो है अपने जो आंसर है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर सेकंड बात हम करें तो अगर मान ले कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको हम कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे जिन्हें हम करंट के मुद्दों से नहीं जोड़ सकते और ना ही किसी प्रसिद्ध विचारक के विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, तो उसको कैसे, उसकी डिमांड कैसे फुलफिल करें या कहें कि उसकी शुरुआत कैसे की जाए। तो उसकी शुरुआत जैसे आंसर को आप क्वेश्चन को आप जरा देख लीजिए, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि आर्थिक समृद्धि से क्या आशय है, आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर बताइए। तो आर्थिक समृद्धि पूछा है यहां पर, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दोनों के बीच में अंतर पूछा हुआ है, तो ये इसमें हमें करंट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ इसके अंदर हम किसी प्रसिद्ध विचारक के विचार हम रख सकते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं हम नहीं रखना चाहते हैं तो उस स्थिति में, या नहीं रखना चाहते हैं हमको याद नहीं है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो आपको दोस्तों उसको जो है इस प्रकार से प्रेजेंट करना है कि प्रश्न का जो आप सार लिखते हैं, परिचय लिखते हैं, वो एकदम संक्षिप्त तो होना चाहिए और एकदम प्रभावित करने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो संक्षिप्त में ही उसका परिचय देंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। बिल्कुल भी आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि यार ये मुझे कम याद है तो इसमें ज्यादा लिखने का प्रयास करूं तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, नहीं, जो आपको नंबर मिलने होंगे वो भी कट जाएंगे, ठीक है, समझ आ रहा है ना। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक अच्छा हो सकता है कि सर अच्छा उत्तर क्या हो सकता है, तो अच्छे उत्तर के लिए मैं आपके लिए कुछ बातें लेकर आया हूं, इन पे जरा गौर से फोकस कीजिए दोस्तों, जो आपको उचित लग रहा है। देखिए इन जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं उनमें से बहुत सारी बातें आपको पता है कि आपको यहाँ ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, उनका आपका रिविजन हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपको प्रभावित कर रही है इस लेक्चर से, जो बातें आपको नई सीखने को मिल रही है, जो कुछ ऐसी बातें भी है जो आपको नहीं पता थी लेकिन आपको ये करना चाहिए, तो अभी अभी ही आप उसको नोट डाउन करते चले। हालांकि ये पीडीएफ ये पीपीटी मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, लेकिन आपके हैंड से लिखे हुए जो आपके नोट्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमेशा आपको याद रखवाने के लिए जो हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए तो अच्छा उत्तर कैसे कैसा हो सकता है, किसको बोलते हैं अच्छा उत्तर, तो उसके लिए मैं आपके लिए कुछ की पॉइंट लेकर आया हूं, इनके माध्यम से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया, जरा देखिए। उत्तर पुस्तिका जो है सरल प्रचलित और स्पष्ट भाषा में लिखी जानी चाहिए, कोई ऐसी भाषा कंफ्यूज करने वाली ना हो आपके उत्तर में। इसके अलावा जो विचार आप प्रस्तुत कर रहे हैं किसी प्रश्न को लेकर के, उन विचारों का एक स्पष्ट क्रम होना चाहिए, है ना, एक स्पष्ट क्रम होना चाहिए। अगर आपने चोटी से स्टार्ट किया है तो आप एडी तक जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं से भी स्टार्ट कर दिया, वो नहीं होना चाहिए दोस्तों, आपका एक पूरा क्रम होना चाहिए, आपके विचारों का एक क्रम होगा तो ही एग्जामिनर उससे प्रभावित हो सकता है, ठीक। इसके अलावा लिखी गई विषय सामग्री सत्य और विश्वसनीय होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने नाम डाल दिया आरबीआई के, आरबीआई ने ये कहा है और वो कहे आप रहे हैं, तो ये बात भी नहीं होना चाहिए। ऐसी हवाबाजी बहुत सारे बीए के स्टूडेंट, ये मान लीजिए 80% बीए के स्टूडेंट ये हवाबाजी करते हैं, उनको पता, उनको ऐसा लगता है कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला उसको नहीं पता कुछ भी, जो पता हमको पता भाई हम पढ़ के आए हैं, कॉपी चेक करने वाला पढ़ के नहीं आया है। दोस्तों ये गलती कभी ना करें कि आपने किसी अन्य विचारक का नाम लिख दिया कि इनके अनुसार कोई एग्जाम्पल देना होता है आपको, तो उनका नाम लिख देते हैं उसके बाद में बस अपने विचार लिख के चले जाते हैं आगे, तो ये गलती भी आप कभी नहीं करेंगे। जो सामग्री आप उसको दे रहे हैं, जो लिख रहे हैं, पूरी 100% सत्य होना चाहिए और स्पष्ट के साथ और विश्वसनीय होना चाहिए। इसके अलावा उत्तर में रोचकता सुंदरता और स्वच्छता होनी चाहिए, जो आप आंसर राइटिंग करते हैं वो एकदम साफ सुथरा हो, उलझुल उलझुल ना हो, ठीक है, और रोचक होना चाहिए, कहानी टाइप से ऐसा होना चाहिए कि वो पढ़े ना तो बीच में छोड़ने में उसको मतलब कंजूसी करेगा, नहीं जब एक बार ऊपर से पेन रखे पढ़ने के लिए तो वो सीधा नीचे तक पहुंच जाए, है ना, बीच में छोड़ ही ना पाए, ऐसी एकदम रोचक कहानी टाइप से होना चाहिए। इसके अलावा आपका जवाब पूर्णता के साथ में हो, कोई चीज छूटे ना, लेकिन ध्यान ये भी रखना है संक्षिप्तता का भी, उसका कम से कम करके देना है, मतलब अधिक से अधिक विचार हो और कम से कम शब्दों में उसको लिखकर प्रस्तुत करना है, ठीक है, वही गागर में सागर। चलिए इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे उत्तर भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, तो इस पर तो अब हम बात कर ही चुके हैं कि स्पष्ट हो, सरल हो, रोचक हो, है ना, इस प्रकार से व्यवहारिक होना चाहिए, ये स्लाइड आप कंप्लीटली समझ चुके हैं।
अब हम बात करें दोस्तों कि शब्द संख्या क्या होनी चाहिए। शब्द संख्या एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे उत्तर की शब्द संख्या क्या होनी चाहिए, शब्दों की संख्या कितनी हो, कितने शब्द हम एग्जाम में लिखे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं घबराहट के मारे, या ऐसा हो सकता है कि भाई हमको जो है 10 क्वेश्चन करना है, उसमें से 5 आ रहे हैं, 5 नहीं आ रहे हैं, तो घबराहट के मारे 5 क्वेश्चनों में वो इतनी कॉपियां भर देते हैं कि पता ही नहीं चलता है। चाहे उसने 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा होगा लेकिन 5-5 पेज में लिखे जा रहे हैं, है ना। तो ये हवाबाजी का लाभ और क्या हो सकता है, तो ये गलती भी ना करें, जरूरी नहीं ऐसा, जितना याद होगा उतना ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ बिल्कुल याद नहीं है तो उसको कुछ कर सकते हैं, वही बताऊंगा मैं आपको, कुछ कर सकते हैं उसका, लेकिन इस बेतु के तरीके से नहीं कि आपसे ना 3 नंबर के क्वेश्चन, लघु उत्तरी क्वेश्चन है, अब लघु उत्तरी क्वेश्चन को आप अति लघु उत्तरी क्वेश्चन की तरह कर रहे हैं, दीर्घ लघु उत्तरी क्वेश्चन की तरह कर रहे हैं, तो ऐसी गलती भी नहीं करना है, ठीक है। तो अब जरा समझिए बात को कि दीर्घ लघु उत्तरी प्रश्न में किस क्या डिमांड उसको देनी है, क्या सप्लाई देनी है, और लघु उत्तरी प्रश्न में क्या सप्लाई करनी है। तो इसको जरा समझे दोस्तों कि दीर्घ लघु उत्तरी प्रश्न के अंदर, दीर्घ लघु उत्तरी प्रश्न के अंदर इसका उत्तर देते वक्त एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न की मांग को जब एक्सप्लेन करेंगे आप तो विशेष चीजों का ध्यान रखना है आपको। समझिए बात को मैं क्या बोलना चाहता हूँ, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के लिए बता रहा हूं, जिनको हम 4 से 5 पेज में हम उसका आंसर लिखने वाले हैं, तो 5 पेज कैसे भराएंगे, तो 5 पेजों की जो भाषा शैली शब्दावली, जब भी हमारा डाटा हम उसको दे रहे हैं, जो विषय सामग्री दे रहे हैं, वो एकदम प्रभावपूर्ण रोचक किस प्रकार होगी, कैसे हो सकती है, वो तब होगी दोस्तों जब उसके काम की चीजें हम उसको वहां पर देंगे, और वो किस प्रकार से दे सकते हैं। अब जरा इसको ध्यान से देखिए क्या क्या 3 से 4 चीजें मैंने यहाँ पर देने का आपको प्रयास किया है। वो है कि सबसे पहले एग्जाम्पल, अगर आप उस विषय से, उस टर्मिनोलॉजी से संबंधित अगर आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं तो प्लीज एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप उस टॉपिक को किसी डायग्राम के माध्यम से या मैप के द्वारा समझा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको मैप बना करके भी उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कोई डायग्राम बना करके प्रेजेंट कर सकते हैं, तो प्लीज कीजिए, नंबर आपका कोई नहीं काट सकता, है ना। इसके अलावा जो आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इसे आपको प्रश्न के फुल फॉर्मेट के साथ लिखना है, पूरे विस्तार के फॉर्मेट के साथ लिखना है, और फुल फॉर्मेट प्रश्न का क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड हम उसी पर बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैप और डायग्राम का आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आप बना सकते हैं तो जरूर बनाइए, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, आपके पेज भी भरते चले जाएंगे, साथ में कॉपियां भी भराएगी, और आप डाटा बहुत अच्छा दे पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न में हमारे पास शब्दों की एक सीमा होती है, हम ज्यादा इसमें लिख नहीं सकते, क्योंकि हम ज्यादा लिखेंगे तब भी हमें नंबर कम ही मिलेंगे, ठीक है। इसलिए जब नंबर कम देगा तो हम उसमें कम ही लिखें, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जितने शब्द हमारे पास लिखने के लिए कम होते हैं ना, सावधानी हमें उसमें उतनी ही ज्यादा बरतनी पड़ती है। क्यों बरतनी पड़ती है, क्योंकि शब्द हमारे पास कम है लिखने के लिए, वो सामग्री बहुत ज्यादा है, तो उस बहुत ज्यादा सामग्री को छोटा कर कंसिस्टेंट करके और कम शब्दों में प्रेजेंट करना भी अपने आप में एक आर्ट है, ठीक है। तो वो आर्ट जो हम आज कर रहे हैं ना, आर्ट BA, वही सब कुछ है, तो इसीलिए हमारे सामने ये बड़ा चैलेंज होता है। तो लघु उत्तरी प्रश्नों में जो पूछा गया हो केवल उन्हीं तथ्यों को संक्षिप्तता के साथ प्रेजेंट करना है, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। ओके, अब हम बात करेंगे आंसर राइटिंग का फुल फॉर्मेट क्या हो सकता है, आंसर राइटिंग में फुल फॉर्मेट क्या हो सकता है। तो दोस्तों एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, एग्जाम राइटिंग करते वक्त आपको 3 फॉर्मेट, मतलब प्रश्न का जो फॉर्मेट होता है हमारे उत्तर का, उसमें 3 बातों पर आपको विशेष फोकस करना है, और उसी 3 पार्ट में ही आपको अपना उत्तर देना है। उस तीन जो पार्ट है आपके, उन 3 पार्टों के अंतर्गत दोस्तों आपका सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था इंट्रो पर सामान्य परिचय, जो आप प्रश्न का परिचय देंगे, इसके अलावा रीजन अर्थात विवरण, जो आपसे डिमांड की गई है उस डिमांड को विस्तार से समझाएंगे डायग्राम के माध्यम से या मैप के माध्यम से, एग्जाम्पल वगैरह, जितना भी आपको कुछ डाटा लिखना है, जितना भी आपको भरना है, जितनी खिचड़ी पकानी है आपको इस विवरण में ही पकानी है ना। इसके बाद में चलेंगे दोस्तों लास्ट में, तो कंक्लूजन होना चाहिए आपका 10 से 15 लाइन का ही, जितना आपका इंट्रो था उतना ही कंक्लूजन, कंक्लूजन थोड़ा बहुत बड़ा भी हो सकता है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि वो विवरण को पीछे छोड़ दे ना, कंक्लूज हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए। तो सबसे पहले उत्तर की राइटिंग, उत्तर का जो है इंट्रो करेंगे आप, परिचय देंगे, परिचय होना चाहिए 10 से 15 लाइन का,
परिचय के बाद में आप विवरण देंगे। विवरण के अंदर दोस्तों जितने भी आप पॉइंट लिख सकते हो उतने पॉइंट लिखिए, जितने आप डायग्राम बना सकते हो डायग्राम बनाइए, जितने मैप बना सकते हो मैप बनाइए, लेकिन इतना भी नहीं, जितने मतलब कि इतना नहीं है कि बस आप लिख कम रहे हो डायग्राम ज्यादा बनाया जाए, ऐसा नहीं है। प्रभावशाली होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, है ना, प्रभावित करने वाला होना चाहिए, सीधा एग्जामिनर के दिमाग पे ना अटैक करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार की आप शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे, इस प्रकार से डायग्राम मैप और एग्जाम्पल का इस्तेमाल करेंगे अपना आंसर राइटिंग की में विवरण के अंदर करते हुए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कंक्लूजन कर देंगे, आप निष्कर्ष देंगे प्रश्न उत्तर का। निष्कर्ष में भी आपको जो है आपने कितनी पूरी चर्चा की है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंट्रो में देखिए जरा, टॉपिक से संबंधित समसामयिक मुद्दे प्रसिद्ध विचार के साथ टॉपिक का परिचय देना, जो हम पहले ही डिस्कस इसके बारे में कर चुके हैं। इसके बाद रीजन अर्थात विवरण, विवरण में दोस्तों जितने अधिक से अधिक हो सकते आप अपने आंसर को पॉइंट के माध्यम से लिखने का प्रयास करेंगे। एक थ्योरेटिक थ्योरी के बाहर के हिसाब से, या कहें कि स्टोरी वाइज लिखने की जगह, इससे आपको बचना चाहिए, स्टोरी वाइज लिखने से बचना चाहिए, बल्कि उसे पॉइंट के माध्यम से प्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा प्रभावशाली होता है वो, है ना। तो मैक्सिमम आपको पॉइंटों पर ही फोकस करना है, पॉइंट के माध्यम से ही आपको लिखना है। इसके अलावा कंक्लूजन की अगर बात करें तो कंक्लूजन में दोस्तों पूरा जो सार होता है प्रश्न का, पूरा हमने जो भी लिखा है उत्तर का पूरा सार, सार के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को आपको कंक्लूजन में देना है। जो भी आपने डिस्कस किया है उस डिस्कशन का सार देते वक्त अर्थात निष्कर्ष निकालते वक्त आप विशेष ध्यान रखेंगे कि इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातों को प्रेजेंट करना है निष्कर्ष में, ठीक है। उसकी विशेषता वो जो भी है, जो भी आपने डिस्कस किया है, उन सब पे आपको यहाँ पर एक समग्र चर्चा करनी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे, लास्ट स्लाइड हमारी बची है, इस लास्ट स्लाइड में कुछ बेसिक रूल्स है जो हमें विशेषकर याद रखने चाहिए, कुछ बेसिक रूल्स है, इनको भी आप अपने नोट्स में डाउन जो है नोट डाउन कर सकते हैं। विशेष कुछ छोटी मोटी छोटी छोटी सावधानियां हैं, छोटे छोटे रूल्स है, छोटे छोटे नियम है, आपको क्या देना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसी जरा दोस्तों जान ले। मैक्सिमम क्या होता है कि हम किसी टॉपर की हमने बुक देखी, कॉपी देखी, या कोई सीरीज को हमने देखा, तो जैसा उसमें लिखा हुआ था उसी फॉर्मेट में हम हाँ एग्जाम में लिखने का प्रयास करते हैं, जो कि 100% गलत है, बिल्कुल भी वो सच नहीं है। नंबर कम आने का कारण एक यही होता है कि हमने जो फॉर्मेट कहीं और देख लिया है उसी फॉर्मेट में हम एग्जाम में जो है कॉपी लिखने का प्रयास करते हैं, वो पूरा गलत होता है, उसको फॉलो नहीं करना है, बल्कि आपकी जो स्टाइल है उसी स्टाइल में आप वहां कॉपी का आंसर लिखेंगे, अपनी स्टाइल में लिखेंगे, बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि ये गलत भी हो सकता है या इससे कम नंबर मिलेंगे, कोई जरूरी नहीं है। कॉपी चेक करने वाला डिफरेंट ढूंढता है, डिफरेंट उसके पास लाखों कॉपियां होती है चेक करने के लिए, जब एक जैसी आती है ना तो उसका दिमाग पक जाता है, उसे कुछ डिफरेंट कुछ अलग चाहिए होता है। तो हर एक की अपनी खुद की स्टाइल एक अलग होती है, किसी को फॉलो करोगे तो आप उसके जैसा लिखोगे, लेकिन अपने आप को फॉलो करोगे ना तो कुछ विशेष करके आओगे, ठीक है। तो इसलिए राइट इन योर ओनली ओन स्टाइल, ठीक है। तो अपनी खुद की स्टाइल में आप अपना डाटा प्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा पॉइंट्स के माध्यम से, अधिकतम पॉइंट के माध्यम से लिखने का प्रयास करेंगे, एंड अंडरलाइन जो भी आप हेडिंग देते हैं किसी भी प्रश्न की, किसी भी हेडिंग, किसी भी जब आंसर लिखते वक्त आप उसको पॉइंट में प्रेजेंट करते हैं, या किसी भी चीज के बाद जब आप हेडिंग लिखते हैं ना, तो उस हेडिंग को अंडरलाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। इसके अलावा बोलने की आवश्यकता नहीं, आप सबको पता है हैंड राइटिंग पर आपको ध्यान देना है। हड़बड़ी में खुद लिखे खुदा वाचे वाली स्टोरी को रिपीट प्लीज ना करें एग्जाम में, हैंड राइटिंग पर विशेष फोकस करें। हो सकता है 4-5 पेज आप कम लिख कर आएंगे, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी दोस्तों, तो आपको उसका जितना आपने लिखा है, जितने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उनकी मेहनत बेकार आपकी नहीं जाएगी, आपको उसके नंबर मिल जाएंगे और अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपने वहां पर खिचड़ी पका दी ना, बाबा की, साईं बाबा की अगर आपने खिचड़ी बना दी कॉपी में, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, जो अच्छा लिखा था वो भी कट जाएगा, ठीक है। और इसी कारण से नंबर कटते ही है। इसके अलावा यूज एग्जाम्पल डायग्राम एंड मैप, बेसिक है, बात कर चुके हैं हम, और क्वेश्चन एक भी छोड़कर नहीं आना है, क्वेश्चन एक भी छोड़कर नहीं आना है। उसके लिए आपको करना क्या है, सर आप बोलेंगे सर याद नहीं था, टाइम नहीं बचा। मैक्सिमम स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है पता आपको, कि सर टाइम नहीं बचा। यार आपको ये बताइए, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो
तो क्या आपको उसी वक्त पता चलता है कि हमारा एग्जाम 3 घंटे चलने वाला था? क्या आपको उसी वक्त बताया जाता है? आपको अभी से पता है ना कि आपका एग्जाम 3 घंटे चलने वाला है, आपको कितने प्रश्न लिखने हैं ये भी आपको अभी से पता है। जब आपको ये पता है कि आपको इतने प्रश्न लिखने हैं, 5 लिखने हैं या 10 लिखने हैं या 15 लिखने हैं, इसके अलावा आपको ये भी पता है कि 3 घंटा ही हमें एग्जाम में बैठने को मिलेगा, 3 घंटा ही हम लिख पाएंगे, तो दोस्तों उसका शेड्यूल क्यों नहीं बना सकते हो आप आज? उसको शेड्यूल बनाइए, उसको मैनेज कीजिए कि अगर हमें 10 क्वेश्चन करना है तो 10 क्वेश्चन को कितने टाइम में करना है, और उनकी प्रैक्टिस कीजिए घर बैठ के अभी से, और उनका ना एक टाइम सेट कर लीजिए कि वहां आंसर लिखते वक्त इस क्वेश्चन को, अगर आपके किसी क्वेश्चन के लिए अगर आपको 15 मिनट मिला है ना तो 15 मिनट ही लिखेंगे उस पे, अगर 16 मिनट हो रहा है तो उसको छोड़ देंगे वहीं पे, ठीक है? वो जब एक बार छोड़ेंगे ना तो अगली बार आप ऑटोमेटिक टेंशन के मारे आप उस प्रश्न को उन्हीं 15 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो टाइम का विशेष ध्यान रखेंगे, अगर टाइम आपका मैनेज रहेगा तो एग्जाम में आपको घबराहट नहीं होगी और आसानी से और बहुत अच्छे से मैनेज करके और रोचक तथ्यों के साथ में आप अपना उत्तर प्रेजेंट करके आएंगे। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, अगर एग्जाम में आपको घबराहट ना हो तो जितना आपको वहां एग्जाम सेंटर में याद होता है ना, उतना दोस्तों जब आप एग्जाम सेंटर बैठते हैं ना तो अपने 50% डेटा को भुलाकर बैठते हैं, अब टेंशन के मारे लिखने की हड़बड़ाहट के मारे। अगर आपको वो टेंशन ना हो तो जो 50% डाटा आप भूलकर वहां बैठे हो ना, वो भी आपको याद रहेगा, और जितना आपने पढ़ा है वो पूरा वहां पर याद रहेगा, और जब फुल डाटा के साथ आप बैठोगे तो सोचिए कितना प्यारा लिख पाओगे। लेकिन ऐसा कब संभव है? जब आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। उस 3 घंटे का टाइम, मैं आपके जीवन को मैनेज करने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप 4 बजे उठिए, इतना पढ़िए, उतना पढ़िए, ये सब नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि शायद मैं भी नहीं कर पाता हूँ ये सब तो। लेकिन दोस्तों वो 3 घंटे तो हम मैनेज कर ही सकते हैं ना, उन 3 घंटों को मैनेज कीजिए, उस 3 घंटों पर ध्यान दीजिए, ठीक है? और उसका मैनेजमेंट आप आज से ही करेंगे, क्योंकि आज की ही गलतियां आप कल के लिए आपको उसमें सुधार मिलेगा, कल के लिए आपको सुधार देगी वो गलतियां जो आज आप गलतियां करेंगे। आज आप बीए कर रहे हैं, अगर बीए में आप दोस्तों 70+% अगर लेकर आते हैं तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं और आप बीए के लिए सही पढ़ाई कर पा रहे हैं, ठीक है? 70+ होना चाहिए परसेंटेज में। इसके अलावा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में अगर आप में से कोई फ्रेंड्स आना चाहते हैं, जैसे कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको इस शेड्यूल पर 100% फोकस करने की आवश्यकता है। अगर आप इस शेड्यूल को मैनेज नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को भूल जाइए, क्योंकि वहां पर एक एक मिनट या एक एक सेकेंड का टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है एग्जाम के लिए, ठीक है? चलिए, तो दोस्तों ये हमारे बेसिक रूल्स पर भी कंप्लीट चर्चा हो चुकी है आज का सेशन में, इतना ही दोस्तों। मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई और डाउट या कोई और विचार, मेरे ख्याल से कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई आपके दिमाग में कोई ऐसा डाउट है या कोई ऐसा सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं और इसमें क्लियर नहीं हो पाया हो, आपके सवाल का जवाब नहीं मिल पाया हो, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर या कॉल के द्वारा किसी भी प्रकार से आप पुस्तक भेजे, उस डाउट को क्लियर करने का जो दायित्व है वो मेरा है, मैं करूंगा दोस्तों, ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों अपनी क्लास में, जिसमें फर्स्ट ईयर के अंदर राजनीति विज्ञान, इतिहास कंटिन्यू हमारा हो रहा है, इसके अलावा थर्ड ईयर में पॉलिटी और अर्थशास्त्र कंटिन्यू चल रहा है, सेकेंड ईयर में दोस्तों बहुत ही जल्दी राजनीति विज्ञान का जो है प्रश्न पत्र प्रथम स्टार्ट हम करने वाले हैं, क्योंकि हमारा सेकेंड कंप्लीट हो चुका था सेकेंड ईयर में, और इतिहास के साथ में भी उसमें बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बीए के प्लेटफॉर्म पर, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन दोस्तों को नंबर चाहिए वो हमारा नंबर यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? नंबर के लिए आपको व्हाट्सएप और सभी प्रकार की सुविधाएं आपके सामने प्रेजेंट कर दी गई है। लुत्फ उठाइए, पढ़ाई कीजिए दोस्तों, बस अच्छे से पढ़े आप, अच्छे मार्क्स से पास हो और आके अपना जो मार्ग है उसको प्रशस्त करें, और उसमें थोड़ा बहुत सहयोग हमारा हो जाए दोस्तों, बस हमारा यही उद्देश्य और यही लक्ष्य है, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।